पूर्वांचल में सातवें और आखिरी चरण के मतदान के साथ यूपी में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व समाप्त हो गया। अंतिम चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले गए। आखिरी चरण में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर में मतदान हुआ। इस चरण में 3 नक्सल प्रभावित जिले सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में भी लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में सबकी निगाहें वाराणसी सीट पर टिकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुझे लगता है कि समीकरणों की राजनीति अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और खासतौर से युवा पीढ़ी विकास को लेकर के उसमें नए प्रकार की आकांक्षा जागृत हुई है और ये जातीय राजनीति आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। लोग काम को ज्यादा महत्व देंगे। पूरा बनारस ने पूरा ये सातवां चरण जो जुमलेबाजी की चीजें हुई हैं यहाँ पर, तो समाज जुमलेबाजी से और विकास जुमलेबाजी झूठ से नहीं होता। मैं समझता हूँ इस बार की स्थिति बहुत ही अलग होने वाली है और बनारस पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है। 2012 में इस 40 सीटों में से 23 सीटें सपा के खाते में गई थी। बसपा को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। आखिरी चरण में कुल 535 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी यूपी में अपनी जीत का दावा किया है। अंतिम चरण और जो हमारे मतदान पूरे हो गए हैं उनसे जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से पुनः समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल में कई केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर है। गाजीपुर से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा, चंदौली से सांसद और सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मिर्जापुर से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की परीक्षा भी इसी चरण में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इसी चरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।